दिस इज़ पुनीत, यू आर वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर फॉर यू। दिस इज़ आवर वीडियो नंबर 10। वीडियो नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो अभी जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है उसको स्टार्ट करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि ये डिग्री होता क्या है। जैसे कि आपने एडजेक्टिव में देखा था, हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक एडजेक्टिव किस तरह यूज़ होता है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स किए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो नंबर 9 ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, जैसे मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब ये जो लिखा है मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, इसमें जो गुड है वो क्या है आपका एडजेक्टिव, और वो स्टूडेंट, स्टूडेंट की क्या क्वालिटी बताई जा रही है, मोहन जो कि एक स्टूडेंट है उसकी क्या क्वालिटी है कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो ये जो गुड है ये यहाँ क्या है एडजेक्टिव। तो अभी डिग्रीज़ क्या होता है, अब जैसे आपने देखा होगा कि डिग्री का मतलब होता है एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब किस हद तक। अब अगर आप देखें, नॉर्मली आपने देखा होगा कि टेम्परेचर की डिग्री होती है, जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है डिग्री। अब वो डिग्री कैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो डिग्री है 0 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, उसी तरह से जैसे यहाँ गुड है आपके पास, तो इस गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो होती है बेटर, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो उसको बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं वो 3 डिग्रीज वी हैव। तो नंबर 1 वी हैव पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 वी हैव कंपैरेटिव डिग्री, एंड नंबर 3 वी हैव सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ जो आपके सामने सेंटेंस अभी आपने देखा, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है और ये है आपकी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो यूज़ होती है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, इट इज़ यूज्ड फॉर वन पर्सन और वन थिंग। तो जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है इट इज़ यूज्ड फॉर वन पर्सन और वन थिंग। उसी तरह से नंबर 2 जो आपका है वो है कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री को देखने से पहले हम एक बार एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आपने फर्स्ट में देखा मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, अब जो सेकंड सेंटेंस है वो है हमारा मोहन इज़ बेटर देन राकेश, मोहन इज़ बेटर देन राकेश। अब ये जो बेटर है इसमें आप देखो मोहन और राकेश के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि जो मोहन है ही इज़ बेटर देन राकेश, तो मोहन जो है वो राकेश से बेहतर है, यहाँ ऐसा कहा जा रहा है। तो वो जो बेटर है इट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है, इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स और टू पर्संस। तो जब टू थिंग्स, दो वस्तुओं को या फिर दो पर्संस को कंपेयर किया जाता है किसी भी सेंस में, तब हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। नंबर 3, अब जो नंबर 3 है, अगर मैं यहाँ कहूँ कि दिनेश इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो मैं पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने पहले मोहन की बात की, फिर मोहन और राकेश को कंपेयर किया, और अब मैं दिनेश की बात कर रहा हूँ, दिनेश इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये जो बेस्ट है, अब दो से ज़्यादा, जब दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तब हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या यूज़ करते हैं हम, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इट इज़ यूज्ड फॉर टू कंपेयर 3 और मोर पर्सन्स और थिंग्स, जब 3 पर्सन्स या 3 थिंग्स या फिर उससे ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तब हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिग्रीज होता क्या है। तो हमने आपको पहले बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है,
अब इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अभी मैंने आपको डिग्री समझाया कि जो डिग्री का बेसिकली पर्पस है वो कंपैरिजन है। तो यहाँ आपके पास थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। नंबर वन वी हैव पॉजिटिव डिग्री। मैंने पॉजिटिव डिग्री क्या बताया, इट इज़ यूज्ड फॉर वन पर्सन और थिंग। नंबर टू वी हैव कंपैरेटिव डिग्री। अब जो कंपैरेटिव डिग्री है मैंने बताया इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स और टू पर्संस। दो वस्तुओं या फिर दो पर्संस के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री। एंड नंबर थ्री वी हैव सुपरलेटिव डिग्री। और जो सुपरलेटिव डिग्री है इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर थ्री थिंग्स और पर्संस। तो तीन चीज़ों को या फिर तीन पर्संस को या फिर तीन से ज़्यादा पर्संस को कंपेयर करने के लिए या फिर तीन से ज़्यादा थिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें जो गुड है वो है आपका पॉजिटिव डिग्री और जो बेटर है वो है आपका कंपैरेटिव और जो थ्री सुपरलेटिव डिग्री वो है आपका बेस्ट। सो वी हैव गुड बेटर बेस्ट। तो ये था आपका डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो आइए अब हम देख लेते हैं वेरियस एडजेक्टिव्स, जैसे कि आपका वर्ब की फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जैसे हम बोल देते हैं, ऐसे ही जो आपके एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है वो भी डिफरेंट तरीक़ों से बनती है। तो आइए हम वो वेज़ देख लेते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो आइए अब हम चलते हैं इस मेन तो आइए यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे एक एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो जैसे आपके सामने ये जो भी लिखे हैं, ये जो सब लिखे हैं एट एंड ये जो हैं, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव है उसके बाद ई आर लगाकर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। और मैंने यहाँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वही एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, तो आप देखेंगे कि आप इनको जनरली सुनते रहते हैं हर बार। जैसे क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग। हाई, हायर, हाईएस्ट, हु गोट हाईएस्ट मार्क्स। लो, लोअर, लोएस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट, विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। रिच, richer, richest, who is the richest person in the world, like this. Small, smaller, smallest. Short, shorter, shortest, which is the shortest way to college. Long, longer, longest, which is the longest day of the year. Tall, taller, tallest, Mohan is the tallest student in the class. Young, younger, youngest. Old, older, oldest. तो आप ये याद रखिएगा कि old का elder और eldest भी बनता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हमने यहाँ अभी क्या लिया है, er और est लगने से जिसका comparative और superlative degree बनता है। तो ये एक तरीका है जिससे er और est लगाकर हम comparative और superlative degree बनाते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ आपके पास तीन तरह के एडजेक्टिव्स लिखे हैं, नंबर वन पोर्शन ये है आपका, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। तो यहाँ नंबर वन जो है उसमें देखिए कि लास्ट में ई है, तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो एक सिर्फ आर लगाने से बन जाएगा और उसमें एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा उसका। तो फाइन, फाइनल, फाइनेस्ट, जैसे दिस इज़ द फाइनेस्ट क्लॉथ। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट,
ही इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस तरह से इनका जो यूज़ है वो हम बाद में देखेंगे। तो एक मैंने क्या बताया, जिसमें एंड में ई होगा उसमें आर और एस टी लगाने से उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव जिनके एंड में वाई है और उस वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने यही चीज़ हमने जब सिंगुलर प्लूरल वाला किया था तब भी किया था, तो इसमें आई को हटा के आई ई आर लग जाएगा और यहाँ वाई को हटा के आई ई एस टी, वाई की जगह क्या लग जाएगा आई ई आर किस में, कंपैरेटिव डिग्री में, और आई ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री में। तो अब देख लीजिए, बिजी बिजियर बिजिएस्ट, ईजी ईजियर ईजिएस्ट, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट। तो एक काइंड ये है आपका, दूसरा काइंड ये है। आई होप आपको दोनों समझ आए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि जो एंड में है वो आपको कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है, एक वाउल है। तो अब हम क्या करते हैं उसमें, जब ऐसा केस हमारे पास आएगा तो मैक्सिमम हम क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और फिर ई आर लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ होगा ई एस सी लगा देंगे डबल करके, जैसे बिग जी रिपीट हो गया, बिगर बिगेस्ट, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, फैट फैटर फैटेस्ट, अब टी यहाँ पर डबल हो गया, उसी तरह से फैटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, इसमें भी टी डबल, वेट वेटर वेटेस्ट। तो ये जो रहे आपका, ये जो थर्ड काइंड है ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम जो इसके बाद करने वाले हैं, अब उसके लिए मैंने ये दो चीज़ें आपके सामने लिखी हैं। तो अभी मैं वैसे आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग, अब जो इंटरेस्टिंग है उसमें ई आर या ई एस टी लगाकर नहीं बनाया जा सकता। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मच, मच का क्या होता है, मोर मोस्ट। तो इसी तरह जो मच है वो हमारा, अच्छा ये जो मच और लिटल है ये एडवर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। ये जो लिखा है, जैसे आपकी एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है वैसे डिग्रीज एडवर्ब की भी होती हैं, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ जो मच है उसका मोर मोस्ट, क्योंकि अभी जो हम मैंने अभी बताया इंटरेस्टिंग, तो अगर मैं कहूँ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी, उसी तरह से दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो हम मोर और मोस्ट लगाकर आगे वाले जो हैं वो बनाएंगे। उसी तरह लिटल लेस लीज, तो जैसे मैंने बोला मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग, उसी तरह लेस इंटरेस्टिंग लीस्ट इंटरेस्टिंग, तो इस तरह से ये बनेंगे। तो इसलिए मैंने आपको मच मोर मोस्ट लिटल लेस और लीस्ट पहले ही बता दिया है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि इसमें हम क्या यूज़ कैसे ही करेंगे, हमारा जो एडजेक्टिव है उससे पहले मोर या फिर मोस्ट, मोर लगाकर उसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा और मोस्ट लगाकर उसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। इसी तरह से हम इस मोर की जगह और क्या लगा सकते हैं इन सब में, लेस, जैसे लेस यूजफुल लिखा है तो लेस लगाकर ये कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, और उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज़ करेंगे लीस्ट, लीस्ट यूजफुल। तो अब यहाँ देखिए, नंबर वन एक्टिव, मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव, उसी तरह से लेस एक्टिव लीस्ट एक्टिव, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, उसी तरह से लेस ब्यूटीफुल लीस्ट ब्यूटीफुल, चार्मिंग मोर चार्मिंग मोस्ट चार्मिंग, लेस चार्मिंग लीस्ट चार्मिंग, डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेस डिफ़िकल्ट लीस्ट डिफ़िकल्ट, ऑनेस्ट मोर ऑनेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट, लेस ऑनेस्ट लीस्ट ऑनेस्ट, इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट लीस्ट इम्पोर्टेंट, पावरफुल मोर पावरफुल मोस्ट पावरफुल, लेस पावरफुल लीस्ट पावरफुल, उसी तरह से यूजफुल मोर यूजफुल लेस यूजफुल,
मोस्ट यूजफुल, लीस्ट यूजफुल। तो यहाँ आपने देखा और आपने सुना भी होगा, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द कॉलेज, या फिर दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, सॉरी दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपने सुना होगा कि इसको लर्न कर लीजिए बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उसी तरह से ही इज़ द मोस्ट पावरफुल किंग, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं उसमें। तो ये रहा आपका नेक्स्ट काइंड। इसमें आपने देखा कि मोर और मोस्ट लगाकर, या फिर लेस और लीस्ट लगाकर हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। ये एक डिफरेंट काइंड है, तो यहाँ देख लीजिए, इसका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों के तीनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। कुछ केसेस हैं और कुछ इनमें से हैं, जैसे फार के दो हैं, लेट के दो हैं, ओल्ड के दो हैं, तो ये एक डिफरेंट काइंड है। तो जैसा कि हमने बिगिन किया था जब इस वीडियो को, तो हमने गुड, बेटर, बेस्ट ये किया था। तो ऐसे ही गुड के साथ कुछ बुक्स में आपको वेल भी मिल जाएगा, वेल, बेटर, बेस्ट, इस तरह से। बैड, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो कुछ और बुक्स में और कहीं और भी आपको मिल जाएगा इविल लिखा होता है, EVIL, और कई जगह इल भी मिलता है। तो यहाँ हमने लिखा है बैड, वर्स, वर्स्ट। तो उनका जो इल और जो इविल है, उनका जो वो ERO EST लगाकर भी बन जाता है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं लिखा। तो आप गुड, बैड, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट। जैसे आपने सुना होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये वही वाला फॉर्मर है। फॉरमोस्ट जो सबसे पहले का है, तो ये फो का मतलब पहले वाला जो है। फार, फादर, फादेस्ट। फार का फिर फर्दर, फर्देस्ट। एक चीज़ मैं यहाँ पहले बता दूँ कि ये जो आपके सामने फार और फार, फादर, फर्दर, फादेस्ट, फर्देस्ट, इनका यूज़ हम बाद में एक अलग वीडियो इसके लिए बनाएंगे, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे एडजेक्टिव्स हैं उनको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड जो उनका डिस्कशन होगा वो उस वीडियो में हम करेंगे। तो यहाँ जो है जस्ट हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती कैसे है। तो यहाँ डिफरेंट काइंड्स हमने डिस्कस किए, एक काइंड ये भी है उनमें से। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। ऐसे ही लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट, लेटर, लास्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये हमने पहले डिस्कस किया था। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। तो यहाँ मैं हल्का हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ, ये डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, फादर और फादेस्ट। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, या फिर मोर, एडिशनल या फिर मोर। जैसे हम कह देते हैं कि फर्दर ऑर्डर्स तक आप ये ऑर्डर फॉलो कीजिए, मतलब आप ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए फर्दर ऑर्डर्स तक, जब तक आगे के ऑर्डर आते हैं, उसी तरह से फर्देस्ट। अब ये जो लेट, लेटर, लेटेस्ट है, ये लेटर का मतलब एक पहले कोई आया, उसके बाद कोई आया, दो में से एक पर्सन बाद में आया, उसके लिए लेटर है। लेटेस्ट आपने सुना होगा कि आप बुक परचेज़ करने जाते हो कि भैया मुझे तो लेटेस्ट एडिशन दो, आप इस बुक का लेटेस्ट एडिशन मुझे चाहिए, इट इज़ लाइक दैट। लेटर, लास्ट। अब ये लेटर का मतलब, जैसे मैं बात करूँ मोहन और राकेश, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में भी लिया था, मोहन और अगर मैं कहता हूँ मोहन एंड राकेश आर गुड फ्रेंड्स, तो जो मोहन है उसको मैं कह सकता हूँ फॉर्मर, दो है ना, तो मोहन को मैं क्या कह सकता हूँ, फॉर्मर, और राकेश को मैं क्या कह सकता हूँ, लेटर। तो मोहन के लिए फॉर्मर पहले वाला, और राकेश के लिए लेटर बाद वाला। तो इस तरह से आपको समझ आया होगा, क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं। ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ये ओल्ड, जो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट है, जैसे आपने कहा ये जो पेड़ है इस पेड़ से पुराना है, तो ओल्डर, ओल्डेस्ट उस तरह से बन जाता है। एल्डर, एल्डेस्ट। अब ये जो एल्डर यूज़ होता है, जैसे आप कहते हो कि आप अपने भाई, आप दो भाई हैं, सपोज करो यू हैव वन ब्रदर, एक आप हो दूसरा आपका भाई, और आप कहते हो ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तब आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो ओल्डर
जो एल्डर है वो अपने जो फैमिली के जो अपने फैमिली का मेंबर है, आपका जो ब्रदर है या फिर आपका फैमिली का मेंबर है, उसके लिए हम एल्डर यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एल्डेस्ट यूज़ करते हैं, और ओल्डेस्ट ये हम दूसरों के लिए यूज़ करते हैं। तो बाकी इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे पॉजिटिव अब हम कंपैरेटिव सबसे एंड पहले देख सुपरलेटिव। लेते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले जब हमने बिगिन किया था, मैंने कहा था मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो उसमें जो गुड था वो क्या था? एडजेक्टिव। और कौन सी डिग्री थी? पॉजिटिव। तो यहाँ जो नंबर वन सेंटेंस मैंने लिखा है, अभी आप जो बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हम सारा जो इस पे लिखा है उसमें पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है ही इज़ अ टॉल बॉय। तो ये जो टॉल है ये क्या है? हमारा पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको पहले कहा था कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ जब हम करते हैं, हम एक की बात करते हैं, तो वो ये वाला केस था जो मैंने बताया था आपको कि हम एक पर्सन की बात करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम दो पर्सन की बात कर रहे होते हैं, टू पर्सन्स की, और तब हम क्या यूज़ करते हैं? एज और एज, और उसके बीच में क्या यूज़ होता है? पॉजिटिव डिग्री। ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर। अब हम रिलेट करते हैं उनको। मैंने आपको पहले बताया कि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगी। ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर। तो वह उसी तरह लंबा है जैसे कि उसके पिताजी हैं। तो ये समझ आया होगा, ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर। एज और एज के बीच में क्या लगा? पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट, मोहन इज़ एज इंटेलिजेंट एज राकेश। जितना इंटेलिजेंट मोहन है उतना ही राकेश है। तो एज और एज के बीच में फिर से पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट एज हार्ड एज आई थॉट। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हमने यहाँ जानबूझकर लिखा है। कई बार क्या होता है कि हम एज और एज से पहले नॉट भी लगा लेते हैं, अदरवाइज नॉट के लिए हमारे पास सो और एज वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ लिखा है ही इज़ नॉट सो टॉल एज हिज फादर, तो नॉट के साथ हम सो एज वाला यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बट यहाँ कुछ जगह आपको ये भी मिलेगा, इट वॉज़ नॉट एज हार्ड एज आई थॉट, वो इतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा। कई बार अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम एज भी यूज़ कर लेते हैं, बट मैक्सिमम हम क्या यूज़ करते हैं? सो और एज। तो इसको मैंने इसीलिए यहाँ लिखा। नेक्स्ट, दिनेश इज़ एज गुड एज आई। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ आई एम, यहाँ क्या हिडन होता है? आई एम, वो हम लिखते नहीं हैं बस। दिनेश इज़ एज गुड एज आई एम, तो दिनेश भी उतना ही अच्छा है जितना मैं हूँ। डू इट एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इसे करो। एज और एज के बीच में क्या है यहाँ? जो आपका पॉजिटिव डिग्री है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एज और एज के बीच में कैसे पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट, ये था सेकंड। आइए अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। नॉट प्लस सो बीच में पॉजिटिव डिग्री और फिर एज। ही इज़ नॉट सो टॉल एज हिज फादर, वह उतना लंबा नहीं है जितने कि उसके पापा हैं। नेक्स्ट, मोहन इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज राकेश, मोहन इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि राकेश है। इट वॉज़ नॉट सो हार्ड एज आई थॉट, ये इतना हार्ड नहीं था जितना मैंने सोचा था। दिनेश इज़ नॉट सो गुड एज आई, दिनेश इतना अच्छा नहीं है जितना मैं हूँ। इट इज़ नॉट सो ईजी एज यू थिंक, यह इतना ईजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो या जितना तुम सोचते हो। तो ये नॉट सो प्लस एज और बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री, और एक था एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अब हम तरफ, देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री टू पर्सन्स या टू थिंग्स को जब कंपेयर किया जाता है तब यूज़ किया जाता है। जैसे दीपक इज़ टॉलर देन दिनेश। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? मोस्टली
हम देन का यूज़ करते हैं, बट देर आर सम केसेस जहाँ हम टू का भी यूज़ करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। दीपक इज़ टॉलर देन दिनेश, दीपक जो है वो दिनेश से लंबा है। दीपक इज़ टॉलर देन आई, मैंने ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है पिछली वीडियोज़ में, तो अगर आपने पहली वीडियोज़ में इसको समझा है तो दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज़ आप जो पीछे की वीडियोज़ हैं उनको देख लेना। दीपक इज़ टॉलर देन आई, टॉलर देन आई, अब यहाँ आई आएगा ना कि मी, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है इसका मतलब मी नहीं आएगा। तो दीपक इज़ टॉलर देन आई एम, तो दीपक मेरे से लंबा है, मुझसे लंबा है वो। रोहित इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही, रोहित इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही, यहाँ हिम नहीं आएगा, रोहित इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही इज़, ही कोई भी हो सकता है, तो मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। आई का एग्जांपल मैंने यहाँ दिया तो यहाँ मैंने इसलिए ही का दिया है। आई लाइक हिम बेटर देन शी, एक चीज़ ये कन्फ्यूज़ करने वाले पॉइंट्स हैं दोनों, इनको आप ज़रा ध्यान से समझना। अगर आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए इट मीन्स आपको ये सारा ही समझ आ गया, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इतने बारीकी से मैं आपको बताऊँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है इनको, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिए। आई लाइक हिम बेटर देन शी, अब यहाँ लगा है आई लाइक हिम बेटर देन हर, अब यहाँ दोनों सही हैं, और यहाँ देखिए क्या केस है, दीपक इज़ टॉलर देन आई, वो केस डिफरेंट है। ये केस देखिए, आई लाइक हिम बेटर देन शी, अब देखो किसकी यहाँ वो दो बातें समझना ध्यान से, आई लाइक हिम बेटर, मैं उसे ज़्यादा अच्छे से पसंद करता हूँ, देन शी लाइक्स हिम, आई लाइक हिम बेटर देन शी लाइक्स हिम, या फिर देन शी डज़, फिर से समझिए, आई लाइक हिम बेटर, मैं उसे ज़्यादा अच्छे से पसंद करता हूँ किसके बजाय, देन शी लाइक्स हिम, देन शी लाइक्स हिम, मैं उसे ज़्यादा अच्छे से पसंद करता हूँ बजाय कि शी लाइक्स हिम, आई ऑल्सो लाइक हिम, शी ऑल्सो लाइक्स हिम, मैं भी उसे लाइक करता हूँ और वह भी उसे लाइक करती है, बट आई लाइक हिम बेटर देन शी लाइक्स, अब आपको समझ आया होगा, आई लाइक हिम बेटर, मैं उसे ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय कि शी लाइक्स हिम, दो पॉइंट थे इसमें, मैं भी लाइक करता हूँ वह भी लाइक करती है बट मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ, ये पॉइंट था मेन। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक हिम बेटर देन हर, आई लाइक हिम बेटर देन हर, आई लाइक हिम, मैं उसे भी लाइक करता हूँ, आई लाइक हर, मैं उसे भी लाइक करता हूँ, यहाँ हिम है वहाँ हर है, बट आई लाइक हिम बेटर देन हर, मैं उस लड़के को ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय के उस लड़की के, इज इट क्लियर। तो ये दो बिल्कुल समझने वाले पॉइंट्स हैं, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इसमें कॉमन एरर कहाँ है, और आप फिर वही इस पॉइंट को ध्यान में रख के यहाँ कॉमन एरर बता दोगे जबकि दोनों के दोनों सही हैं। तो इन ये जो दो पॉइंट्स आपने देखे इनको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट, अनिल एंड अमित आर ब्रदर्स, अनिल इज़ एल्डर टू अमित, अनिल और अमित दोनों क्या हैं, भाई हैं, मैंने बताया था आपको सगे भाई हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अनिल इज़ एल्डर टू अमित, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ देन यूज़ करते हैं हम टू भी यूज़ करते हैं, और कुछ उसके अलग से केसेस हैं कि किसके साथ यूज़ करते हैं। अनिल इज़ एल्डर टू अमित, और हम ओल्डर के साथ देन ही लगाते हैं, एल्डर के साथ टू। नेक्स्ट, सोनू शर्मा इज़ सीनियर टू मी बाय 7 years, अब सीनियर के साथ क्या लगाते हैं, टू। उसी तरह अब ये देखो, सोनू शर्मा इज़ सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है कितने साल, 7 years, तो 7 years पुराने हैं वो मुझसे, मेरे सीनियर हैं वो 7 years। सेम वे, आई एम जूनियर टू सोनू शर्मा बाय 7 years, तो आई एम जूनियर टू सोनू शर्मा बाय 7 years, तो यहाँ क्या हुआ, जूनियर के साथ टू लगा।
दिस पेन इज बेटर देन दैट, यहाँ थिंग का मैंने एक ही एग्जाम्पल शायद से रखा है, दिस पेन इज बेटर देन दैट, यहाँ पेन नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, क्योंकि वो ऑब्वियस है दिस पेन है तो वहाँ हम अवॉइड करते हैं उसको, जैसा कि हमने प्रोनाउंस में किया भी था। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको बताया, एक तो ये आई मी ही हिम, ये मी और हिम वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट मैंने आपको ये दो पॉइंट्स और बताए, आई लाइक हिम बेटर और ये वाला जो शी और हर वाला है, इनको आप फिर से बेशक देख लीजिए समझने के लिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ जो नंबर वन सेंटेंस है, पहले मैं ये बता दूँ कि जो सुपरलेटिव डिग्री है वो तीन या तीन से ज़्यादा के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, विक्रम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल। तो स्कूल में जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से सबसे लंबा कौन है? विक्रम। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले द लगता है, ये आप याद रखिएगा। अंकित इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब ये एक लिया है मैंने मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरह का जिसमें मोस्ट लगता है, तो अंकित इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है? अंकित। सुमित इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स। सुमित और उसके दो भाई और हैं, तो सुमित इज़ द वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान कौन है तीनों भाइयों में से? सुमित। तो मैंने बताया था तीन या तीन से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, तो द यहाँ लगाए द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स। अगर यहाँ खाली होता ऑल द ब्रदर्स तो ये ऑब्वियस है कि या तो यहाँ थ्री है या थ्री से ज़्यादा है। रीना इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द स्कूल। बेस्ट एंड वाइजेस्ट, तो क्योंकि यहाँ द यहाँ लग गया तो बेस्ट और वाइजेस्ट एक के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ द नहीं लगाया। तो रीना इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द स्कूल, बेस्ट भी और वाइजेस्ट भी। नेक्स्ट, राजीव इज़ द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम। अब ये देखिए, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट है तो मोस्ट के पहले द लगता ही है, तो यहाँ द यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है। और ये याद रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ। राजीव इज़ द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द विलेज, अब पूरे गाँव की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ मैंने बताया कि मोस्ट से पहले द लगता है। ही इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मोस्ट इंडस्ट्रियस, मेहनती, ऐसे ही लबोरियस है आपका, तो ही इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। विकास इज़ द मोस्ट लबोरियस ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स, बाकी सब स्टूडेंट्स से ज़्यादा मेहनती है कौन? विकास। तो ये था आपका सुपरलेटिव डिग्री, आप इसको एक बार फिर से देख लेना, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम जो हमने अभी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज की, अब उन्हीं का एक मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके सामने है। मींस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है सुशील इज़ टॉल एंड हैंडसम। तो यहाँ दो एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं मैंने एक ही पर्सन के लिए। सुशील जो है वो लंबा भी है और हैंडसम भी है, तो ये दोनों एडजेक्टिव्स सुशील के लिए यूज़ किए गए हैं यहाँ। अब नेक्स्ट, ही इज़ टॉलर एंड मोर हैंडसम देन सुनील। अब सपोज मैं सुशील की ही बात कर रहा हूँ, अब सुशील की दो क्वालिटीज़ मैंने डिस्कस की, एक तो टॉल और एक हैंडसम। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ? सुनील के साथ। तो ही इज़ टॉलर एंड मोर हैंडसम देन सुनील। तो यहाँ भी दो क्वालिटीज़ थी, यहाँ भी दो क्वालिटीज़, यहाँ अकेला था, यहाँ मैंने कंपेयर किया है सुशील को सुनील के साथ। नेक्स्ट, ही इज़ बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर। तो एंड से पहले भी और बाद में भी क्या रहेगा? कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ, क्यों हम ही इज़ बिकमिंग पुअरर एंड पुअर, पुअरर, पहले वो पुअर था लेकिन अब उसकी कंडीशन बदल रही है, उसी को उसी से कंपेयर कर रहे हैं, पहले पुअर था अब और भी गरीब, पुअरर एंड पुअरर।
नेक्स्ट, ही इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रियस. पहले वो मेहनती था, अब वो और भी ज़्यादा मेहनती बन रहा है. मोर एंड मोर यहाँ लगा है तो पोरर एंड पोरर, उसी तरह मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज. तो यहाँ भी हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की, उसकी पहली कंडीशन को दूसरी कंडीशन जो अभी कंडीशन है उसके साथ कंपेयर करते हुए. नेक्स्ट, ये पॉइंट्स ज़रा ध्यान से देख लीजिए. दिस बॉल इज़ मोर बिगर देन दैट. अब ये देखिए, बिग बिगर बिगेस्ट. तो यहाँ बिगर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है. कई बार इस तरह से कॉमन एरर आ जाता है. और यहाँ दैट, शी इज़ द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन माई विलेज. अब ये जो मोस्ट वाइजेस्ट लगा है, आपको पता है वाइज वाइजर वाइजेस्ट, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता ऐसा कि वाइज वाइजेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ मोस्ट की ज़रूरत नहीं है. तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट, इनको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये चार जो सेंटेंसेस हैं इनको आप ध्यान से देखिए. नो अदर कॉलेज इन अम्बाला इज़ एज गुड एज जेवी कॉलेज. अब ये जो है आपने देखा था कैसे पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में यूज़ होती है. नो अदर, कोई दूसरा. तो कोई दूसरा कॉलेज अम्बाला में इतना अच्छा नहीं है जितना कि डीएवी कॉलेज है. अभी देखिए, डीएवी कॉलेज इज़ बेटर देन एनी अदर कॉलेज इन अम्बाला. तो जो डीएवी कॉलेज है वो बेटर है, बेहतर है किससे? एनी अदर कॉलेज इन अम्बाला, किसी दूसरे कॉलेज से. तो यहाँ एक को किसी भी दूसरे कोई भी कॉलेज आप ले लीजिए उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ बेटर लगा. नेक्स्ट, डीएवी कॉलेज इज़ बेटर देन ऑल अदर कॉलेजेस इन अम्बाला. अब ये ग्रुप बना दिया ऑल अदर कॉलेजेस का, बाकी दूसरे कॉलेजेस से बेहतर है. तो यहाँ इस ग्रुप, एक पूरे ग्रुप को एक कॉलेज के साथ कंपेयर करते हुए हमने क्या लगाया? कंपैरेटिव डिग्री. नेक्स्ट, डीएवी कॉलेज इज़ द बेस्ट कॉलेज इन अम्बाला. तो यहाँ लगा दिया हमने सुपरलेटिव डिग्री. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? यहाँ एक ही पर्सन की टू क्वालिटीज़, यहाँ एक ही पर्सन की टू क्वालिटीज़ को कंपेयर किया हमने दूसरे पर्सन से. यहाँ पोरर एंड पोरर, मोर एंड मोर इंडस्ट्रियस, और यहाँ मोर और मोस्ट यूज़ नहीं करना. वो कहाँ करना है? जिनके साथ मोर लगता है सिर्फ उनके साथ. नो अदर, ये वाला देखा आपने. तो ये पॉइंट्स देखे आपने, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे. इसी तरह कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. तो आइए अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. यहाँ जो आपके सामने एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जो पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ होते हैं. तो जैसे कि आपके पास है माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड अल्टीरियर. तो आइए देख लेते हैं. दिस इज़ अ माइनर ऑपरेशन. माइनर का मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा. दिस इज़ अ मेजर ऑपरेशन. अब ये मेजर जो है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट. माइनर, मेजर, ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं या फिर एंटोनिम्स हैं. तो माइनर बिल्कुल मामूली सा और मेजर बहुत ही इम्पोर्टेंट. द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस रूम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. इंटीरियर जो इन अंदर वाली, जो अंदर वाली दीवार है इस रूम की, वह स्ट्रॉन्ग नहीं है. सेम वे द एक्सटीरियर वॉल ऑफ दिस रूम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. एक्सटीरियर एक्सटर्नल, बाहर वाली. इंटरनल, इंटीरियर को समझो इंटरनल, एक्सटीरियर को समझो एक्सटर्नल. एग्जिट, एंट्रेंस, कुछ ऐसा सा बस. ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ याद रखने के लिए. तो इंटीरियर को मतलब आप इंटरनल, एक्सटीरियर को एक्सटर्नल, बाहर वाली. द एक्सटीरियर वॉल ऑफ दिस रूम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. जो इस रूम की बाहर वाली दीवार है वह स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो इंटीरियर और एक्सटीरियर. ही हैड सम अल्टीरियर मोटिव फॉर बीइंग नाइस टू मी. अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन. मतलब जब कोई आपसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हो तो आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है. लाइक दैट इट इज़, ही हैड सम अल्टीरियर मोटिव. कोई उसका छुपा हुआ मकसद था फॉर बीइंग नाइस टू मी, तभी वो मुझसे बड़े अच्छे से बिहेव कर रहा था. लाइक दैट. अब ये तो एक पॉइंट था. मैंने देखो इन पॉइंट्स को सेपरेट किया हुआ है यहाँ. नेक्स्ट देखिए, ही इज़ टू वीक टू वॉक.
अब जो टू होता है उसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब इसका मतलब क्या है? ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना वीक है कि वह चल नहीं सकता, इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। देखो यहाँ जो सब था ये पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज़ हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री है। दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। यह क्वेश्चन कितना मुश्किल है, टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। टू का मतलब, टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व मतलब इट इज़, दिस क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। यह क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट है कि ये सॉल्व किया नहीं जा सकता। और अगर ऐसे होता, दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, फिर उसमें आता दिस क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, फिर ऐसे आता उसमें अगर मी का ऑप्शन यहाँ होता। तो यहाँ भी देखो पॉजिटिव डिग्री लगी है दोनों में। अब आप नेक्स्ट देखिए, जब कभी, ये कंपैरेटिवली है, जब कभी आ जाए कंपैरेटिवली वर्ड आपके पास आ जाए, मतलब आप पहले से ही कंपेयर कर चुके हो, उसमें कंपैरिजन पहले ही आ चुका है। जैसे आई एम कंपैरेटिवली वेल टुडे, तो कई बार क्या होता है आई एम कंपैरेटिवली बेटर बोल देते हैं, तो बेटर गलत है, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी क्योंकि कंपैरेटिवली पहले से लग चुका है, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। सो आई एम कंपैरेटिवली वेल टुडे, तो ये बेटर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट, देर इज़ इनफ रूम इन द कार। अब ये जो इनफ है ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, रूम का मतलब स्पेस है, यहाँ कमरा नहीं है। देर इज़ इनफ रूम इन द कार, सफिशियंट, कार में सफिशियंट स्पेस है, मतलब कहने का उसमें पर्याप्त जगह है बैठने के लिए। नेक्स्ट, आई हैव इनफ कॉपीज़, मेरे पास पर्याप्त कॉपीज़ हैं। अब ये इनफ तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो इनफ आप देख पा रहे हैं ये हमारा एडवर्ब है। सफिशियंटली, इसका मतलब क्या है, सफिशियंटली। जैसे ही वॉज ब्रेव इनफ, एक चीज़ आपने याद रखनी है, इनफ यहाँ ये क्या है, फिर रूम से पहले यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव है, आप ये याद रखना। अगर पहले यूज़ होगा तो किससे पहले, नाउन से पहले, किससे पहले, नाउन से पहले यूज़ होगा। अगर आपका आ जाए एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव के बाद यूज़ होगा इनफ। ही वॉज ब्रेव इनफ टू कैच द थीफ, और तब ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ही वॉज ब्रेव इनफ टू कैच द थीफ, मतलब वह इतना बहादुर था, सफिशेंटली बहादुर था इतना कि उसने चोर को पकड़ा। ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, वह इतना स्ट्रॉन्ग था कि बॉक्स उठा सकता था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद इनफ आया, और ये इनफ यहाँ क्या है, एडवर्ब। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, और ये 5 के 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, माइनर, अगर मैं कहूँ दिस बॉय इज़ अ माइनर, तो माइनर का मतलब क्या है, एक जो लीगली जो एज फिक्स की होती है, तो जैसे मैक्सिमम 18 ईयर्स का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर। तो वो नाउन की तरह भी यूज़ होता है माइनर। मेजर, ये एक आर्मी में एक रैंक होता है मेजर, तो ये भी नाउन की तरह भी यूज़ होता है। तो माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, और फिर ये टू वाला मैंने आपको बताया, कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री बताया, नाउन से पहले एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव के बाद इनफ, एडवर्ब बताया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। ये अब हम यहाँ कुछ एडजेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं जिनके साथ टू लगता है, जिनके साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। तो जैसे हमने मैक्सिमम देखा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, बट हमने जूनियर और सीनियर ये पहले भी डिस्कस किया था, और उसमें एल्डर भी था हमारे पास। ही इज़ जूनियर टू मी बाई 5 years, तो इसी तरह ही इज़ सीनियर टू मी बाई 5 years, और हमने वहाँ ये भी डिस्कस किया था ही इज़ एल्डर टू मी, लाइक ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था।
नेक्स्ट देखिए, इंडियन गुड्स आर सुपीरियर टू चाइनीज़ गुड्स, इंडियन गुड्स आर सुपीरियर टू चाइनीज़ गुड्स। तो जो इंडियन गुड्स, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, ये जो गुड्स है, अब अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो हमने जो नाउन वाला वीडियो किया था उस नाउन्स में हमने डिटेल्ड डिस्कस किया था कि जब गुड के साथ एस लगाया जाता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके साथ एस लगाने से उनका मीनिंग बदल जाता है। तो एक बार आप जो नाउन वाली वीडियोस हैं उनमें चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। इंडियन गुड्स जो हैं वो सुपीरियर हैं किससे? चाइनीज़ गुड्स से। तो जो भारत में बनी वस्तु हैं वो किससे अच्छी हैं, किससे बेहतर हैं? चाइना में बनी हुई वस्तुओं से बेहतर हैं। सेम वे चाइनीज़ गुड्स आर इन्फीरियर टू इंडियन गुड्स। इन्फीरियर का मतलब उनसे बेकार। चाइनीज़ गुड्स बेकार हैं किससे? इंडियन गुड्स से। जो इंडियन, इंडिया में जो सामान बनता है उससे बेकार है कहाँ का? जो चाइना में बनता है। इसका ये मीनिंग है, सुपीरियर और इन्फीरियर। दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू दैट, दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू दैट। इसको देख लीजिए, दिस इवेंट टुक प्लेस एंटीरियर टू दैट। अब ये प्रायर और एंटीरियर दोनों का क्या मतलब है? बिफोर या फिर अर्लियर देन। अब एंटीरियर को इंटीरियर के साथ याद रखिए, इंटीरियर का मतलब कुछ और था, एंटीरियर का मतलब कुछ और है। कई बार इस एंटीरियर की जगह इंटीरियर लिखा आ सकता है और वही आपका कॉमन एरर बन जाएगा। और इसी तरह इंटीरियर की जगह एंटीरियर लिखा आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, इंटीरियर मतलब इंटरनल, अंदर वाला, तो आप ऐसे याद रखिए। दिस इवेंट टुक प्लेस पोस्टीरियर टू दैट, जैसे पोस्ट का मतलब आपको पता होता है आफ्टर, ऐसा सा कुछ होता है, पोस्ट पेड कनेक्शन होते हैं, बाद में हम पे करते हैं, तो पोस्टीरियर लाइक दैट। पोस्टीरियर टू दैट मतलब आफ्टर दैट, तो ये इवेंट कब हुआ? उसके बाद, लाइक। आई होप आपको ये समझ आए होंगे सब, जूनियर सीनियर सुपीरियर इन्फीरियर प्रायर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। नेक्स्ट देख लीजिए, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, तो जब कभी प्रीफर आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा? टू। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। सेम वे कॉफ़ी इज़ प्रीफरेबल टू टी, तो प्रीफरेबल के साथ भी क्या लगेगा? टू। मोर प्रीफरेबल नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? प्रीफरेबल टू टी, मोर प्रीफरेबल नहीं होगा, मोस्ट प्रीफरेबल भी नहीं होगा। तो हमने एक और किया था, आई एम कंपैरेटिवली गुड, उसमें बेटर नहीं लगेगा, आई एम कंपैरेटिवली गुड टुडे, तो उसमें गुड लगा था या वेल लगा था, वहाँ बेटर नहीं लगेगा। तो ये थे आपके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स देख लेते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज़ कर पाते हैं, और ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये अपने आप में इतने कंप्लीट होते हैं कि हम इनके साथ इनको कंपैरेटिव या फिर इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव की तरह यूज़ नहीं कर पाते हम। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं, आई हैव एडिक्वेट टाइम, मैंने शॉर्ट में इनको लिखा है, आपको बस ऐसे ही समझ आ जाएगा। एडिक्वेट टाइम, पर्याप्त समय। सफिशियंट टाइम, इट मीन्स सफिशियंट का मतलब भी पर्याप्त समय। एब्सोल्यूट ट्रूथ, पूर्ण रूप से जो सच है। इंटायर सिलेबस, कंप्लीट। होल सिलेबस, इंटायर और होल का मतलब कंप्लीट है। फैटल डिसीज, फैटल एरर। अब ये फैटल क्या होता है? जिसकी वजह से मतलब डेथ ही हो जाती है पर्सन की, मतलब विच कॉजेज डेथ, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, फिर दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से तबाही हो जाती है, फैटल डिसीज़ या फिर फैटल एरर। नेक्स्ट, फाइनल डिसीज़न, दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न, ऐसा नहीं कि दिस इज़ मोर फाइनल। मेन पॉइंट, आई वॉन्ट टू डिस्कस द मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट की जगह अगर आपने कभी इसको मोर की सेंस में यूज़ करना है तो आप इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ कर लीजिए, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं इट इज़ मोर मेन, क्या कहोगे? इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लाइक दैट।
इम्पॉसिबल टास्क, इनएविटेबल पनिशमेंट जिसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल मीन्स जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इरेवोकेबल पास्ट जिसको रिवर्स, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता, इट इज़ दैट। प्रिंसिपल कॉज, ये प्रिंसिपल कौन सा है, मेन 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 वाला, जैसे प्रिंसिपल वर्ब होती है वैसे, मतलब मेन कारण। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, स्टेशनरी का मतलब स्थिर हैं जो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। इसका मैं एक आपको अभी इसको मैं इसको कंप्लीट करने के बाद में कुछ इसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। यूनिक मेथड, यूनिक मेथड मतलब सबसे अलग जो तरीका है किसी भी काम को करने का, या कुछ भी आप कह सकते हो। यूनिवर्सल फेम, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हो आप। यूनैनिमस डिसीजन, यूनैनिमस का मतलब व्हेन ऑल द पर्सन्स अग्री, जिसमें सबकी सहमति होती है वो डिसीजन क्या कहलाता है, यूनैनिमस डिसीजन। इसका प्रोनंसिएशन जरा देख लीजिए, यूनैनिमस, यूनिवर्सल, यूनिक, तो ये आर्टिकल्स में भी आपसे डिस्कस होगा। तो अब ये पॉइंट जो मैं कह रहा था वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ याद रखिएगा आप, एक स्टेशनरी ये है, एक स्टेशनरी ये है, तो इसको यहाँ से याद रखिए, ER, इसका मतलब इरेजर। दो, तो जो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी, तो उसमें क्या होता है हमारा, इरेजर उसका एक पार्ट होता है। तो आप इसको याद रखिए कि स्टेशनरी ये वाला कौन सा होगा, जहाँ आपका पेन, कॉपी, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स वो सब मिलता है, और ये स्टेशनरी क्या है आपका, स्टेशन। जैसे स्टेशन सपोज करो रेलवे स्टेशन है, वो कहीं मूव नहीं कर पाता, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जो स्टेशन है वो मूव नहीं कर सकता, तो स्टेशन जो होगा वही स्टेशनरी। ARY और ERY का है मेन प्रॉब्लम, तो ER इरेजर वाला आप याद रखना, आपको ये खुद याद रहेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आए होंगे। तो यहाँ हमारा जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा आज का वीडियो नंबर 10 था, उसमें आपने क्या सीखा, जो हमारा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो उसमें मैं एक बार इसको रिकैप्चुलेट करना चाहूँगा कि जो हमारे पास डिग्रीज होती हैं, हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, एंड नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने बिगनिंग में भी आपको बताया था, तो हमने सीखा कि किस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनती हैं, तो उनके अलग अलग मेथड्स हैं, वो सब हमने डिस्कस किए। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि हम अक्सर गलती करते कहाँ हैं। तो आज तो हमने सिर्फ जो डिग्री से रिलेटेड था वर्क, हमने वही किया। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट तरह के जो इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ, उसमें क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा लिटल, अ लिटल, द लिटल, उसी तरह से मतलब आपने ये 3 सुने होंगे, और आपने सुना होगा फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका यूज़ बड़ा एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के लिए। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट, अब ओल्डेस्ट का यूज़ कैसे करना है, एल्डेस्ट का यूज़ कैसे करना है, सेम वे हमारे पास होता है फादर एंड फर्दर। तो इस तरह से ये काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको समझ नहीं आती है चीज़ें। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 11, उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।